on the beat. Fools like them, they suss me out and then they ghost. Girls like me, I like a magnet to a knock. Can I be like... देखिए डंपी भाई हमारे पेस लड़ाते हुए, जो कन्ने बांध रहे हैं ठीक है, नहीं यार पेस को फंसा लिया है। ये देखिए पेज काट रहे हैं, बेहतरीन पेज काट दिया है डंपी ने। फ्रेंड ये पेज चल रहा है गोलू का, गोलू नीचे से जगह ले रहे हैं और ऊपर वाला गद्दा रखता हुआ। गोलू ने स्ट्रेट किया और ये गोलू ने बाहर खींच दिया है। काट दिया है गोलू ने पेच। देखिए फ्रेंड्स गोलू का दूसरा पेच लड़ रहा है। बेहतरीन मौसम में अभी लड़ रही है गोलू जगह लेते हुए। समीर देखिए अपनी पतंग तैयार कर रहे हैं, अब ये खींचने के मूड से हैं। इन्होंने पतंग थोड़ी हल्की निकाली है। बहुत ही अच्छा मौसम, लेकिन हवा तेज हो गई है, पतंग अब संभाल नहीं रही है। और ये हमारे समीर है ऑल इंडिया चैंपियन। और ये मौसम बढ़िया पतंग, बढ़िया मौसम, बढ़िया पतंग, बहुत मजा आ रहा है सारे प्लेयरों को भी और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। समीर भाई भी आपने पेच नहीं लड़ाया, एक पेच लड़ाया थे। जीते भाई को मेरे बहुत कीड़ा बहुत। हाँ देखिए बहुत से खिलाड़ी हैं, सब कोई दूर लड़ा रहा है, सब दूर लड़ा रहे, तो इसलिए समीर भाई हमारे भी बैठे हैं और अभी जब छोटा पेज लड़ेगा तो समीर भाई अपना हुनर दिखाएंगे। ये हमारे आलोक भाई पतंग तैयार करे खड़े हैं देश में। ये लाजवाब, इतना बढ़िया मौसम साल ऐसा आज मिला है जी, मजा आ रही है पतंग उड़ाने में। धूप भी नहीं है, धूप भी नहीं, ठंडा मौसम, बढ़िया शौक हो रहा है, पतंग उड़ी है 15-15, हवा लड़ रही, मजा बहुत आ रही है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, तो बहुत बढ़िया, हवा का कोई जोर नहीं। जी जी आलोक भाई, ये हमारे आलोक भाई हैं ऑल इंडिया काइट विनर 2022 के ऑल इंडिया चैंपियन। हाँ 21-22 के फैजाबाद में जो आपने उठाया था वो कौन से सन में उठाया था लोग? 2021 में, 2021 और 2022, 22 जो है इन्होंने लखनऊ में उठाया और 21 फैजाबाद में उठाया। बहुत ही अच्छा फैजाबाद में उठाया था इन्होंने, अच्छी टीमों को काटा था और यहाँ भी बहुत अच्छी टीमों को काटा है। सब समीर, ताबिश और आलोक भाई और तारूफ भाई हमारे चौथे। देखिए डंपी का पेच लड़ रहा है, डंपी का पेच फंस गया है, काफी दूर पेच निकल गया है। और ये गुड्डू भाई हमारे चरखी दिखा रहे हैं, पेच काट दिया है डंपी ने, बहुत ही बढ़िया पेच काट दिया। हसनी से काटे डंपी का, लग रहा है तुम तेल पाल नहीं जाओगे यार। चक्कल
अब इधर आइए गुड्डू भाई, इधर इधर आइए, पीछे उल्टा पड़ रहा देखिए। डंपी नीचे से जगह लेते हुए बेहतरीन पेस लड़ रहा है डंपी का। बहुत ही अच्छा रख लिया है डंपी ने पेस को। ये काट दिया है पेच, बहुत ही अच्छा पेच काट दिया डंपी ने। कितने हो गए डंपी भाई? तीन हो गए। देखिए हमारे सागर भाई हैं, ये शौक देखने आए हैं सिर्फ, और इतने पतंग के ये दीवाने हैं कि मतलब पांच माले ऊपर चढ़ के आए। क्यों सागर साहब, तुम पांच माले चढ़ के आए हो पतंग देखने आए हो? शौक बहुत है पतंग का है, तो ये पांच माले ऊपर चढ़ आए हैं। हाँ चलो ठीक है, देखिए डंपी जगह लेते हुए चौथे पेज के लिए, और वो घेर के उसने रख लिया, डंपी ने निकाल के रख लिया है पतंग को। कट गए डंपी, चौथा पेज डंपी कट। गुड्डू भाई देखे हमारे चरखी कर रहे हैं, पेज काफी दूर हो रहा था, थकिएगा नहीं गुड्डू भाई? हाँ शब्बू भाई, पतंग देखने हैं? हाँ पतंगबाजी आपको बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत दूर दूर जाते हैं प्लेयरों के पेज देखने। देखिए आशु पेज लड़ाते हुए, देखिए आशु का पेट फट गया है, रेंज में हो रहे पेट, और हवा भी तेज है तो इसलिए। यार फिर तुम वही उंगली करते हो यार, ये देखिए हमारे गोलू भाई पेच लड़ाने जा रहे हैं। तुम्हारी जो बना गए थे दे नहीं रहे हो। देखिए हमारे गोलू भाई पेच में आ गए हैं, देखिए गोलू पेश में जगह लेते हुए। गोलू नीचे से हैं और वो ऊपर से है अपोनेंट। ये देखिए हमारे खलील भाई जो है कन्ने बांध रहे हैं पतंग के। गोलू कट गए हैं पेच। ये ताबिश का पेच लड़ता हुआ, सभी पेच फंस के लड़ रहे हैं, फटाव बहुत कम है और पेच फंस गया है ताबिश का। देखिए वो अपोनेंट है सामने ही खड़ा है, वो भी डोर दे रहा है और ताबिज भी डोर दे रहे हैं। ये देखिए ये नीली शर्ट वाले उससे पेश लड़ रहा है। ये समीर जा रहे हैं अपनी पतंग उड़ाने। देखिए समीर ने पतंग को खींच दिया है तेज,
बहुत ही बढ़िया पेज काट दिया है।